देवभूमि हिमाचल प्रदेश न केवल करोड़ों मेहनतकश और स्वाभिमानी लोगों का निवास स्थान बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था की भूमि, देसी विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल 1948 वो ऐतिहासिक दिन था जब 30 छोटी छोटी रियासतों को जोड़कर केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। यह डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के सतत संघर्ष का ही परिणाम था कि 25 जनवरी 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश को देश के 18वें राज्य के रूप में दर्जा दिया। तब से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश की विकास यात्रा में कांग्रेस का योगदान हिमाचल के समृद्ध इतिहास का अभिन्न और उजला पहलू रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहां आधुनिक भारत के पहले मंदिर यानी भाखड़ा नांगल बांध की नींव रखी। 1971 में राज्य का दर्जा मिलने के बाद कांग्रेस ने यहां सघन रूप से नो टोर अभियान चलाकर भूमिहीन किसानों खासकर दलितों को 5-5 बीघा जमीन देकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया। यह कांग्रेस पार्टी की ही दूरदर्शिता थी कि आज भी राज्य के किसान की जमीन का मालिकाना हक कोई उससे छीन नहीं सकता। यह कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने इस पहाड़ी राज्य में खेती बागवानी और जंगलों के संरक्षण के लिए समय रहते डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री तथा चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए दूर दराज इलाकों में भी स्कूल खोलकर शिक्षकों की व्यवस्था की गई। हिमाचल प्रदेश देश के उन राज्यों में से एक है जहां उसके गठन के 10 साल में ही उसके लगभग 100% घरों में बिजली पहुंच चुकी थी। हिमाचल की धरती के सच्चे सपूत और 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के शासन का ही कमाल था कि राज्य ने हर क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की और वर्ल्ड बैंक के अनुसार साल 2015 में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश में दूसरे नंबर पर थी। देवभूमि बहुत जल्द फिर से अपना खोया वैभव पाएगी और अपने स्वर्णिम काल की ओर कदम बढ़ाएगी।